ट्रैक्टर की सहायता से आपको बीज कैसे ग्रोथ करके पौधा बनता है इसके विषय में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। बीज था बना, बीज से ये अंकुरित हुआ, अंकुर निकले, अंकुर से ये जड़ें निकल रही हैं, जल्द जड़ से आप देख रहे हैं पौधे की फॉर्म में आना शुरू हो गया, ये ग्रोथ हो रहा है। कैसे बात हुआ? 8 दिन बाद 9 दिन बाद 10 दिन बाद ऐसा पता हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं पौधे का ऊपर भाग दिखाई दे रहा है, ये पौधे के नीचे भी इसका विकास हो रहा है, जड़ों में भी, जड़ों का विकास भी यहाँ दिखाया जा रहा है। समय हो गया। ओ हाय बच्चे, मैं बीज हूँ। एक अद्भुत चीज, तुम कैसे हो? अब बस मेरे जागने का समय हो गया है। जब एक बीज जागता है और उगता है, उस क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। जो मैं देखने में बहुत साधारण लगता हूँ, पर मेरे अंदर बहुत कुछ है। एक सीड कोट मुझे सुरक्षित रखने के लिए, एक भोजन संग्रह जिसे मैं तब तक खा सकूं जब तक मैं अपना भोजन बनाने लायक बड़ा नहीं हो जाता, वो उसे कॉटलेडन कहते हैं, और एक शिशु पेड़ एम्ब्रियो। जड़ निकल आई, ओह कितनी अद्भुत है, और ये मेरी शूट है, मेरी कोमल हरी पत्तियों को तो देखो, ये कितना अच्छा है ना कि मैं जर्मिनेट हुआ, और जल्दी ही कुछ सालों बाद अब मैं एक बड़ा पेड़ बन रहा हूँ। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे पास खुद के फूल और फल है, और हाँ मेरे खुद के बीज भी है। मेरा राज्य बढ़ाने के लिए ये बीज बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तुम पूछोगे कि बीज कैसे यात्रा कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हम बीज बहुत तकड़े वाले होते हैं। हम तभी जर्मिनेट होते हैं जब सभी स्थितियाँ ठीक होती हैं। सूरज की रोशनी, नमी, पोषक तत्व और तापमान। अब मुझे यहाँ बहुत से दोस्त हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, जैसे हवा इन दोस्तों में से एक है। ये हमें आसपास ले जाती है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर बीच या बीच जिनके पर होते हैं वो अपने पंखों पर सवार होकर यात्रा कर जाते हैं। पशु भी हमारी मदद करते हैं। कभी कभी पशु एक फल खाते हैं और उनमें से बीज बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं, जो सभी उगने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बीजों के पास हुक होते हैं और वो पशुओं के ऊपर सीधी सवारी करते हैं। अरे हाँ, पानी भी तो यात्रा करने का बड़ा तरीका है। नारियल के जैसे फलों के लिए किसी बोट की जरूरत नहीं होती। हम तो दूर द्वीपों तक तैर के जाते हैं। तो हवा, पानी और पशुओं जैसे दोस्त हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें बढ़िया पेड़ों के रूप में उग सकते हैं और सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। काफी मजे वाली जिंदगी है ना हमारी। कैसे हम छोटे से बीज से इतने बड़े फैल जाते हैं, है ना? ये हमारा बीज है जो अंकुरित हो चुका है। इसमें अंकुर के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा मूल अंकुर, जैसा इसके नाम से ज्ञात हो रहा है, मूल का अंकुर, यानी वो अंकुर जिससे जड़ बनती है। एक होता है प्रांकुर, जिससे हमारा तना और पत्ती बनती है। मूलांकुर से जड़ें बनी हैं और प्रांकुर से हमारा तना पत्ती ये ऊपर का भाग बना है। मिट्टी से ऊपर के भाग प्रांकुर से बनते हैं, मिट्टी के नीचे वाले भाग मूलांकुर से बनते हैं। तो ये पौधा आप देख रहे हैं, इसका ये वाला भाग जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है।